नौजवानों को खेलकूद के तरफ राघब करने के लिए सीआरपीएफ 130 बटालियन की जानिब से आज चालीकन अवंतीपुरा कश्मीर में एक क्रिकेट प्रीमियर लीग का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 22 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग का इफ्तिताह डीआईजी सीआरपीएफ आलोक अवस्थी ने किया, जबकि एसएसपी अवंतीपुरा एजाज जरगर के साथ साथ सीआरपीएफ 130 बटालियन के राजीव यादव, कमांडिंग ऑफिसर योगेश पुरोहित, कमांडिंग ऑफिसर आरडी जेनी और दीगर अफसरान के अलावा मायशियों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मीडिया के साथ साथ बात करते हुए डीआईजी सीआरपीएफ ने कहा कि खेलकूद की वजह से मंशियात और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में कमी देखने को मिली है और इनकी कोशिश रहेगी कि इस किस्म के टूर्नामेंट मुस्तकबिल में भी मुनाकद किए जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है कमांडेंट श्री राजीव यादव सीओ 130 बटालियन की। ये जो अवंतीपुरा क्रिकेट प्रीमियर लीग करा रहे हैं, इसमें 22 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब 22 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, फिर उनके परिवारों को मिलाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम जा रहा है पब्लिक में कि कश्मीर में नॉर्मलसी हो गई है और यहाँ के युवा क्रिकेट में या और भी खेलों में भाग लेकर देश का और कश्मीर का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। देखिए, हमारी तरफ से पहली बात, इस ग्राउंड को हमें पॉइंट पता चला था मेंटेनेंस के लिए, हम मेंटेनेंस में मदद करेंगे। फिर जो भी युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, सपोज मैन ऑफ द मैच है या उसको आईपीएल में ऑक्शन के लिए जाने में कुछ भी मदद चाहिए, सपोज उसको दिल्ली टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है या कोई उसको किट नहीं है या कोई सामान की ज़रूरत है, तो उसमें हम फाइनेंशियली भी मदद करेंगे। बाकी तो आईपीएल वगैरह तो मेरिट पर होता है और मैं दुआएं करता हूं कि यहां के प्लेयर मैक्सिमम आईपीएल वगैरह में और नेशनल टीम में आए। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है कमांडेंट श्री राजीव यादव सीओ 130 बटालियन की। ये जो अवंतीपुरा क्रिकेट प्रीमियर लीग करा रहे हैं, इसमें 22 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब 22 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, फिर उनके परिवार